लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट का डिप्लोमा करूं, डिग्री करूं, क्या स्कोप है या नहीं, सिंगापुर में कितना स्कोप है और पूरे विदेशों में जो और भी कंट्रीज़ है वहां का कितना स्कोप है, क्या जॉब फ्यूचर में मिलेगी इस कोर्स करने के बाद, तो पूरी देखना इस वीडियो को भाई। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज है 12 मार्च और 11 बज रहे हैं, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है भाई, बहुत शांति का है मौसम हो रहा है। और मैं आपको आज इस टॉपिक पर बताने वाला हूँ कि भाई, जो आपने मेरे थंबनेल से देखा होगा कि यार लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है फ्यूचर में जॉब लेने के लिए, क्या स्कोप है और कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, सिंगापुर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, तो पूरा देखना इस वीडियो को, आपको पता लग जाएगा। और भाई अभी बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और अभी ये 15-20 मिनट में जाऊँगा, तो अभी नहा धो के और बिल्कुल फ्रेश ऐसा लग रहा है कि जैसे, और बाहर का मौसम इतना अच्छा है ना कि पूछो मत। यहाँ से मेरी गैलरी, जो सीढ़ियों की जो गैलरी है वहाँ से दिख रहा होगा शायद आपको, देखो कितना खुला हुआ धूप निकली हुई है और बहुत अच्छा मौसम है। तो भाई देखो ऐसा होता है, सबसे पहले तो हम बताते हैं पढ़ाई की इम्पोर्टेंस। पढ़ाई की इम्पोर्टेंस होती होती है भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पढ़ाई करने के लिए जब कहीं भी जा रहे हो, सिंगापुर आ रहे हो, यूएस, कनाडा, आपके लिए बेनिफिट है। तो पढ़ाई के लिए भी हर कंट्री अच्छी है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको एक एजुकेशन, एक स्किल, एक नई कि देखो ऐसा होता है जब आप पढ़ाई करते हो आपके दिल में एक शक्ति सी आती है, आपके मन में एक सोच बदलती है कि यार मेरे को इस फील्ड में जाना है ऐसा। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि किस इंडस्ट्री का ज़्यादा स्कोप है। तो भाई देखो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट, सभी इंडस्ट्री है अच्छी है, लेकिन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट फ्यूचरिस्टिक जॉब बहुत सारी आने वाली है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जुड़ेगी लॉजिस्टिक के बाद में, और फिजिकल वर्क तो है ही है। तो देखो डिप्लोमा अगर हम करते हैं लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट में, तो भाई आपका सिंगापुर में बता रहा हूँ 8,000 से 10,000 डॉलर्स आएगा एक साल का, OJT शायद इंक्लूड होगी उसमें, वो आप कॉलेज से कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको कॉलेजेस के नाम देखने की, कौन कौन सी कॉलेजेस कराते हैं डिप्लोमा सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, तो आप मुझे बता देना, मैं कॉलेज के नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा और उसकी कुछ फीस होती है। और देखो ऐसा होता है यार, डिग्री हमेशा अगर आप 3 साल की डिग्री करते हो बैचलर इन सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट या रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स यानी डिग्री करते हो, तो भाई 25 से 30 लाख सिंगापुर की फ़ीस है। इंडियन में ही हाफ हिसाब लगा सकते हो, 40-50 हज़ार डॉलर्स है। अगर मास्टर्स करते हो तो आपकी करीब 18 से 20 हज़ार डॉलर्स के आसपास आएगी। तो देखो ऐसा है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो लॉजिस्टिक्स में तो आपको ऑफिसेज जॉब ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें IT थोड़ी सी इंक्लूड है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक SAP का वेयर हाउस मैनेजमेंट, मटीरियल मैनेजमेंट और ऐसे कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप वो सीख लेते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा, सैलरी 3-4 हज़ार डॉलर्स आराम से आपको मिल जाती है। अब करते हैं कि डिप्लोमा, मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स का, तो 6-8 हज़ार डॉलर्स फीस आएगी। तो भाई उसमें आप अगर एक साल के डिप्लोमा में अगर आप ड्राइविंग वगैरह का लाइसेंस ले लेते हो और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सीख लेते हो जैसे SAP जो लॉजिस्टिक्स में यूज़ होते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है लॉजिस्टिक्स में क्या क्या यूज़ होते हैं। तो अगर आप एक साल का डिप्लोमा करते हो, आप यहाँ किसी वेयर हाउस वगैरह में फिजिकल वर्क के लिए, किसी ऑफिस एडमिन के लिए आप काम कर सकते हो। आपकी जो सैलरी होगी भाई 1,000 से 1,200 वर्क परमिट के अंदर होगी, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा होता है आपके पास दो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा थोड़ा सस्ता हो जाता है, या मास्टर्स करो। बैचलर डिग्री 3-4 साल की होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा अच्छी है, लेकिन अगर आप पैसा लगा सकते हो तो बैचलर डिग्री भी करो, तो लेकिन पैसा लगता है भाई इसमें, 25-30 लाख रुपए लगते हैं, तो भाई इतना पैसा क्यों खर्च करें। डिप्लोमा कर सकते हो, एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो, इसमें आप साथ साथ कमा भी सकते हो। अब बात करता हूँ कि यार मैं आपका स्कोप कितना है। तो देखो यार ऐसा होता है, स्कोप तो देखो लॉजिस्टिक्स में सामान इधर से उधर जा ही रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो आपको फिजिकल वर्क का भी काम मिल सकता है, ऑफिस वर्क का भी काम मिल सकता है, तो काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको। तो देखो अगर आपके पास एक स्किल ऐसी है कि आप ड्राइविंग है, तो आपके पास वेयर हाउस
प्लस ड्राइविंग का भी जॉब मिल सकता है, अच्छा खासा पैकेज भी मिल सकता है। अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, आईटी वगैरह की थोड़ी सी नॉलेज और रखते हो, तो भाई आपका बहुत सारा स्कोप हो सकता है कंप्यूटर। अब देखो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की, तो भाई देखो हर जगह कंपनीज कंपनी है जो सामान को इधर उधर ले आया जा सकता है, और ये ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो भाई लॉजिस्टिक्स सप्लाई मैनेजमेंट काफ़ी सारा। अगर हम सिंगापुर की भी मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो सिंगापुर में वेयर हाउस बहुत हैं। अगर फैक्ट्रीज की बात करूँ, फैक्ट्रीज मलेशिया इंडोनेशिया में है, तो वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होके सिंगापुर आता है और सिंगापुर से डिस्ट्रीब्यूट होता है जिस भी कंट्री को लेना। तो लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा हब होता जा रहा है भाई, और जो लॉजिस्टिक की जॉब है भाई वो सिंगापुर में नहीं, कनाडा, हर जगह भाई, हर जगह जाता है। और इंडिया में भी भाई लॉजिस्टिक की जॉब है, ऐसा नहीं है। और आप अगर आप लॉजिस्टिक सप्लाई मैनेजमेंट का डिप्लोमा करते हैं, आपके पास एक अच्छी स्किल आती है, इन फ्यूचर आप ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी कंपनीज खोल सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखो अभी ऑनलाइन का थिंग्स तो इतनी हो गई है कि फिजिकल शॉप्स कम होती जा रही है, ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत हो रहे हैं। तो एक बहुत ही वाइड एंड वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास अगर आप सप्लाई मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स का रिलेटेड डिप्लोमा करते हैं। और अगर आप मुझसे ये चाहते हो कि सिंगापुर में लॉजिस्टिक्स कंपनी कौन कौन सी, एक बार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताओ, तो आप मुझे पूछ लेना, मैं कमेंट्स करके या अगली वीडियो बता दूंगा कि सिंगापुर में कितनी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो यार देखो लॉजिस्टिक्स फ्यूचर्स में बढ़ती जानी है, लोग ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर कंट्री में नहीं बन सकता है, एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो भाई वहाँ पर लॉजिस्टिक की जॉब ज़्यादा है, सिंगापुर तो एक लॉजिस्टिक्स का हब है। अब लॉजिस्टिक्स में क्या है, आप मैरीन में काम कर सकते हैं, मीन्स अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है, आप शिप में काम कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड, लैंड पर काम कर सकते हैं, एयर में मीन्स एयर इन जो हमारे एरोप्लेन है, आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे काम कर सकते हो। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जॉब बहुत ज़्यादा है, तो कहने का मतलब कुछ सामान हमारे शिप से आते हैं तो मैरीन इंडस्ट्री भी आपके लिए, कुछ बाय कार्गोज आते हैं, बाय एयर से आते हैं, तो एयर आपका एयरपोर्ट वगैरह पर काफ़ी अच्छी जॉब है, बाय लैंड में काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं भाई, तो ये कोर्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए, ये बात सच है कहीं भी हो, लेकिन एक बार जॉब मिल जाएगी तो फिर आपका करियर भी अच्छा। और जॉब की छोड़ो यार, काफ़ी सारे बिजनेस आप खुद कर सकते हो जब आप इसी इंडस्ट्री इस स्टडी को करोगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। ये एक तरह से एक मेजर इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो यार अच्छा करियर बना सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।